हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुदित मित्तल, हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, वेलकम्स यू ऑल इन द वीडियो सीरीज ऑफ एनालिसिस एंड डिजाइंस ऑफ एल्गोरिथम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस सिलेबस इंट्रोडक्शन, बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज हैविंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड। दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज हैविंग एन वेरी मच इम्पॉर्टेंस from the point of view of the competitive exams and from the point of view of the external exams also. ये subject basically हर तरह से हर competitive exam में पूछा जाता है। इस subject के concepts जो हैं वो basically computer science में एक foundation के तौर पर काम करते हैं। This particular subject is playing major role in the field of IT. So we will discuss about the introduction of the subject, but before that we will study about what an algorithm is. एक एल्गोरिथम क्या होती है? एन एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट टेक्स सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज एन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस सम वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज एज एन आउटपुट। ये एल्गोरिथम बेसिकली डिज़ाइन की जाती हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जाहिर सी बात है, उसमें फिर कुछ ना कुछ इनपुट रहेंगे जो कि प्रॉब्लमेटिक इनपुट्स हो सकते हैं, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, कुछ प्रोसेस होगा मीन्स जो कि उस प्रॉब्लम का एक तरह से सॉल्यूशन बना करके आपको बेसिकली यूज़र को एक आउटपुट की फॉर्म में दिया जाएगा। एल्गोरिथम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें कि हम एक सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक रिपीटेड प्रोसेस लगाते हैं, फंक्शंस को ऐड करते हैं, ट्रिगर्स को ऐड करते हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो दैट मे बी कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इट इज़ अ टूल फॉर सॉल्विंग वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में बेसिकली उन्हीं प्रॉब्लम्स को डाला जाता है जो कि मैनुअली सॉल्व नहीं हो सकती है। मीन्स वी आर जस्ट कंसर्निंग विद द प्रॉब्लम्स एट अ वेरी हाई रेट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट आर नॉट सॉल्वेबल बाय द डायरेक्ट और सिंगल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग। वे आर द कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस आर वेरी फास्ट एंड लेंदी, देन एल्गोरिथम्स आर नीडेड टू बी इन्वॉल्वड। तो कंप्यूटर एल्गोरिथम्स बेसिकली हमें एक पाथ प्रोवाइड कराती हैं एक सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, बिगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। तो हम यहाँ पर एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बनाते हैं जो कि एक इनपुट रहे, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें आउटपुट मिलती हैं मींस आफ्टर द प्रोसेसिंग। जनरली एल्गोज आर यूज टू कंप्यूट एंड सॉल्व द बिग प्रॉब्लम्स विच इज़ टू बी सॉल्व थ्रू द कंप्यूटर प्रोसीजर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि बेसिकली एल्गोस डिज़ाइन की जाती हैं, इफेक्टिव एल्गोस डिज़ाइन की जाती हैं एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक सॉल्यूशन देने के लिए यूज़र्स को या समाज को, पब्लिक में बेसिकली इंटरेस्ट में हम बेसिकली एक एल्गो को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एल्गोरिथम एक ऐसा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है जो कि इनपुट्स प्रॉब्लम्स को एज एन इनपुट रिसीव करता है, सॉल्यूशन को एज एन आउटपुट देता है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में बेसिकली उसका सॉल्यूशन, रिफाइनमेंट ऑफ सॉल्यूशन छिपा रहता है जो कि बहुत सारे फंक्शंस, ट्रिगर्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करने के बाद बनता है। बिग प्रॉब्लम की एनालिसिस बेसिकली हम करते हैं एल्गोरिथम के थ्रू द कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट। Likewise, for example, I have considered two examples for here. Internet is used to provide information quickly worldwide. It accesses a huge database to retrieve the information, which needs a strong and smart algorithm to manage and compute such data. Suppose हम Google में कुछ values को type करते हैं और उसमें से हम कुछ values को या कुछ भी हम keyword type करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ values निकल करके आ जाती है within the seconds. क्या वो ऐसे ही निकल करके आ गई? नहीं, एक एल्गोरिथम बेसिकली बैकएंड में काम करती है जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करके हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आती है इन सेकंड्स। वो एल्गोरिथम इतनी इफिशिएंट है कि उसने बेसिकली पूरी दुनिया के सर्वर्स पे स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स उस कीवर्ड्स के बेस पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या ऑडियोज़ या पीपीटीज या जो भी नोट्स अवेलेबल हैं नेट पे उन सबको सर्च करना शुरू किया और यूज़र के सामने ला करके रख दिया। तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम वर्किंग। अनदर एग्जाम्पल में भी ई कॉमर्स। आजकल हम सभी लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से अपना कुछ सामान मंगाते हैं
तो यहीं पर उसका एक एग्जांपल हमने लिया है कि ई कॉमर्स इनेबल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू नेगोशिएटेड एंड एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिकली। यस, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, अपने ऑर्डर्स को, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। हम ऑर्डर करते हैं, दैट इज़ एन ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली। वो हमको डिस्पैच करते हैं, एक मैसेज करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। देन वो पार्सल बेसिकली कहाँ कहाँ पहुँच गया हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, वहाँ पर भी एक एल्गोरिथम लगी हुई है। मीन्स रियल टाइम में बेसिकली ये एल्गोरिथम काम करती हैं और यूज़र को बेसिकली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड कराती हैं। सच प्रोसेस डायरेक्टली डील्स विद ह्यूज डेटाबेस प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंट साइट्स। जाहिर सी बात है वो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, सपोज हम सर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन के बारे में किसी एक पर्टिकुलर साइट पे, आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन के कई सारे वेरिएशंस निकल करके आ जाते हैं हमारे पास। सैमसंग लिखते के साथ ही सैमसंग का हर अवेलेबल प्रोडक्ट जो है मोबाइल का, वो वेबसाइट में जो अवेलेबल है उस पर्टिकुलर मर्चेंट साइट में, वो निकल करके आ जाता है। और अगर हम नॉर्मली गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो पर्टिकुलर मॉडल थ्रू दी ऑल ऑफ दी मर्चेंट साइट्स बेसिकली सर्च होकर के आ जाता है कि कौन कौन सी वेबसाइट क्या क्या प्राइस उसको हमको दे रही है, ऑफर प्राइस क्या कर रही है। सो एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा को विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स अपनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन निकाल करके यूज़र के सामने रख देना एक एल्गोरिथम की वजह से ही है। एक एल्गोरिथम बहुत स्मार्टली काम करती है, नेटवर्किंग में काम करती है। इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन, मर्चेंट साइट्स आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन, गूगल्स पे कुछ भी सर्च करना बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन। तो बेसिकली वी कैन सी द डिफरेंस या इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एल्गोरिथम नाउ डेज, हाउ इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम्स आर इज। तो टू डिज़ाइन एन इफेक्टिव एल्गोरिथम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऑल्दो वी कैन डिज़ाइन एनी टाइप ऑफ एल्गोरिथम, बट स्मार्ट एल्गोरिथम का डिज़ाइन करना ज़्यादा इफेक्टिव है रादर देन अ ट्रेडिशनल एल्गोरिथम। सो जमाना ट्रेडिशनल है, जमाना बेसिकली प्रोफेशनल है, तो ट्रेडिशनल बेसिकली पुराने मेथड्स की एल्गोस को फॉलो करना हम बेसिकली अवॉइड करेंगे। सो यहाँ पर हम सीखेंगे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए और फिर उनको किस तरह से हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने से मतलब यहाँ पर ये है कि हम उन एल्गोरिथम की बेसिकली इफ़िशियंसीज को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है वैल्यूज़ को सर्च करने में और कितना स्पेस मेमोरी में ले रही है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सो इन दो पैरामीटर पे बेसिकली एल्गोरिथम की इफिशियंसी को मेजर किया जाएगा। आगे ज़्यादा ना बताते हुए मैं सीधे से सिलेबस को डिस्कस करता हूँ। इन यूनिट वन वी विल डिस्कस अबाउट द एल्गोरिथम एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। जैसा कि मैंने अभी बताया, हम रियल टाइम में उसको एनालिसिस करना सीखेंगे। देयर विल बी सम नोटेशंस टू एनालाइज द एल्गोरिथम। देन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एल्गोरिथम, हाउ मच अ कॉम्प्लेक्स एन एल्गोरिथम इज और मे बी वी विल एनालाइज थ्रू दिस वन। Asymptotic notations, there are some specific notations to show the complexity of that particular algorithm. Growth of functions, how function grows, how algorithms grows in its path. Recurrence, sorting in polynomial time like insertion sort, merge sort, heap sort and quick sort. There are four types of sort of the polynomial time. We will take their methods, their algorithm, their process one by one. Sorting in linear time like counting sort, radix sort, bucket sort, median and order statistics. There are three types of sorting, counting, radix and bucket sort that works on linear time. We will cover one by one each and every aspect of this one. In unit number 2, we will study about the elementary data structures like stack, queues, linked list, binary trees, hash tree. As we know that data structures are most important in the computer science, in the field of the computer, to store the data effectively inside the memory, to fetch the instructions from the memory cycles, to produce the maximum output in the minimum time frame. So data structures are playing major role. So without discussing about data structure, algorithms are nothing, because we will be just using some type of data structure while we will discussing about the algorithm. So it is an important part to be discussed. Then we will also focus on advanced type of data structures like in the form of tree and graphs. As we know that it is an unelementary type of data structures, so we will be discussing about various types of methods used in trees, various types of trees, the sorting methods, the storing methods. Then we will focus on the graphs, various types of graphs are there, various types of the methods are there to search a particular element inside the tree like BFS, DFS, Fibonacci heap,
data structures, disjoint sets, union find algorithms, priority queues, mergeable heaps, and all. Various types of trees are there, red black trees, split trees. So that particular algorithm, that particular section will tell you about the advanced data structures used in the algorithm. In unit number 3, we will discuss about the advanced designs and analysis techniques like dynamic programming, greedy algorithms, backtracking. In backtracking, we basically follow a process in backtrack mode. Means, एक प्रोसेस ने आउटपुट दिया, वो अगले प्रोसेस के पास गया, अगले प्रोसेस ने आउटपुट दिया, तो उसने बेसिकली एक फीडबैक की तरह वो पीछे भी दिया और आगे भी दिया. तो इसके बेसिकली बैकट्रैक कहना कहलाता है कि हमने बेसिकली एक कुछ एल्गोरिथम इस तरह से काम करती हैं कि वो आगे तो आगे की तरफ तो फॉरवर्ड अपने आप को रखती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पीछे की तरफ भी अपने आप को पीछे बैक प्रोसेस के साथ भी अटैच करके रखती हैं. तो सच टाइप ऑफ एल्गोरिथम आर कॉल्ड बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम. देन ब्रांच एंड बाउंड, अमोर्टाइज एनालिसिस, डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस वी विल स्टडी. In graph, we will study about the graph algorithm. Graph is a combination of vertices and edges. So we will discuss about and how a graph may be designed inside the computer system through the matrices. There will be incidence matrix, adjacency matrix. There will be a long discussion about the graph algorithms. Then we will see about the different type of the searching algorithms like Kruskal's algo, Prim's algo. That is these. Covering algo, we have to cover the vertex of that particular tree or particular graph in an by following some algo. So Kruskal algo, Prim's algo, single source part is source shortest path, maximum flow and traveling salesman problem also be discussed about this one. So there will be an interesting unit and important too in point of view of the external examinations as well as in the point of view of the interviews and the Viva questions. Then we will discuss about the randomized analysis, string matching, NP hard and NP complete. So, string matching means there will be some intelligent algos like in voice recognition. आजकल हम देखते हैं कि Google पे हम basically हम कुछ भी बोलते हैं तो वो basically हमारे voice को match करने के बाद हमें एक output basically provide कर देते हैं. Means वो हमारी sound को basically catch करते हैं और उसके हिसाब से keyword को search करते हैं और हमको basically output provide कराते हैं. तो string matching algo, हमने जो बोला उसको keywords के साथ match करने के बाद वो basically हमको output provide कराते हैं. तो such type of algos are called string matching algos. Then we will discuss about the sorting networks, matrix operations, polynomials and FTT number theoretical algorithms. So there will be n number of algorithms we will study, there will be n number of concepts we will go through about in this particular subject. So that will be an important and interesting subject, that will be totally practical based subject, conceptual subject, interesting subject. You will enjoy and I think that it will be very nice cooperation with you all. Thank you so much. We will do the practice section in the next videos. Thank you.